टुडे इज इंस्पिरेशन. व्हेन गॉड टेक समथिंग फ्रॉम योर हैंड, ही इज नॉट पनिशिंग यू, ही इज मर्ली ओपनिंग योर हैंड टू रिसीव समथिंग बेटर. जब भगवान आपकी मुट्ठी से कुछ लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको सजा दे रहे हैं, बल्कि वो आपका हाथ खोल रहे हैं ताकि आप कुछ बेहतर प्राप्त कर सकें. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भोला प्रसाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल भोला फिटनेस. आज का जो वीडियो है वो लीवर के बारे में. लीवर यानी हमारे शरीर में खाना पचाने की जो प्रक्रिया को पूरा करता है वो लीवर का काम है, जिसकी वजह से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है. 19 अप्रैल हर साल लीवर डे मनाया जाता है, जो कि इस साल भी मनाया जाएगा. तो आपको मैं इससे जुड़ी कुछ छोटी सी जानकारी दूंगा इस वीडियो में. तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कुछ पूछना बताना तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हो. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आप लोग ये जान लें कि लीवर होता कहाँ पे है. हमारे शरीर में जो पेट का हिस्सा होता है उसके दाई तरफ थोड़ा सा ऊपर में लीवर का पार्ट, यानी वहां पे लीवर का हिस्सा होता है. इसका काम जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है और सबसे बड़ा होता है, ये है खाना पचाने का काम. अगर इसने खाना पचाने का काम बंद कर दिया तो हमारा शरीर रुक जाता है. इसीलिए ये सबसे बड़ा काम है जो कि हमारे शरीर में ये करता है खाना पचाने के लिए. दूसरी बात, ये हमारे शरीर में जितने भी कार्य होते हैं उसमें से 500 कार्य में ये भागीदारी निभाता है. कहने का मतलब है कि शरीर में जितने भी पार्ट्स काम करते हैं 500 चीजों में ये लीवर उसकी मदद कर. लीवर का काम होता है हमारे शरीर में विटामिन और खनिज को संग्रहित करना, यानी जमा करना. हमारे शरीर में जो भी विटामिन और खनिज हमारे हम जो लेते हैं, ग्रहण करते हैं, आहार लेते हैं, उसमें से विटामिन और खनिज को जमा करता है. दूसरी बात, हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थ यानी गंदगी को बाहर निकालने में लीवर हमारी बहुत मदद करता है. तीसरी बात यह है कि ये हमारे शरीर में पित्त को बनाता है, जो कि वसा यानी चर्बी को पचाने में हमारी मदद करता है. हमारे शरीर में जितने भी लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उसमें से 10% हिस्सा जो होता है लाल रक्त कोशिकाओं का, वो हमारे लीवर में होता है. दूसरी बात, लीवर अगर हमारा डैमेज हो गया 75% तक, तो 25% अगर शेष बाकी है तो वापस वो उसे विकसित कर सकता है, यानी ठीक कर सकता है. लीवर में इतनी ताकत होती है. तीसरी बात, हमारे शरीर में त्वचा सबसे बड़ा अंग होता है, उसके बाद लीवर होता है जो दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है. तो ये तो थी लीवर की छोटी सी जानकारी कि लीवर होता क्या है, लीवर क्या काम करता है. अब बात करेंगे कि लीवर को आप स्वस्थ कैसे. लीवर को स्वस्थ रखने के लिए हमें दिन भर में कई बार पानी पीना चाहिए. ज्यादातर क्या करते हैं, बच्चे टीवी देखते समय और गेम खेलते समय पानी कम पीते हैं. तो ध्यान रखें इस बात को कि पानी कई बार 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 पिलाते रहें ताकि आपका लीवर स्वस्थ रह सके. और लीवर को स्वस्थ रहने के लिए नींद भी अच्छी मात्रा में और पूरी लेनी चाहिए, मतलब नींद पूरा होना चाहिए सभी का, तभी लीवर आपका स्वस्थ रह सकता है. तीसरी बात, आप जो भी भोजन करेंगे यानी जो भी खाना खाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ घर का और बना खाएंगे, बना हुआ घर का खाएंगे. बाहर का फास्ट फूड, जंक फूड, बाहर की कोई भी आइटम आपको नहीं खानी, वो आपके लीवर को खराब करना शुरू कर देता है. तीसरी बात, नींद तो आपको पूरी लेनी है और हरी सब्जियों को अपने आहार में जरूर से जरूर शामिल करना चाहिए. तो ये था लीवर स्वस्थ रखने के बारे में छोटी सी जानकारी कि आपका लीवर क्या काम करता है, आपका लीवर को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं. तो इस लीवर डे में हैप्पी लीवर डे मनाएं और अपने लीवर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप अपना ध्यान जरूर दें. मेरे इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, वंदे मातरम.